Hello friends, so this is specific video for CMA intermediate student only. पिछले कुछ दिनों में बहुत सारा data float हुआ है from institute side for CMA inter and final student, like offline से online exam हो गया, उसके बाद exam pattern के related बहुत discussion हुआ है, and then latest में एक notification upload किया है institute ने, where you have to provide your details like registration number, date of birth and all that, ठीक है. एंड वहाँ पे एक चॉइस फीलिंग का भी है दैट यू हैव टू सिलेक्ट होम बेस्ड एग्जाम और सेंटर बेस्ड एग्जाम, और आपके सिस्टम असेसमेंट का भी वहाँ पे वो पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया इन दैट नोटिफिकेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सब चीज़ें आपको पता है एंड यू हैव कम्प्लीटेड दैट प्रोसेस, जो भी ड्यू प्रोसेस है आपने अपने साइड से कम्प्लीट किया होगा. एक और चीज़ है कि वो जो आपको जो चॉइस फीलिंग का डेट था, शायद वो 11th या 12th नवंबर था, दैट दे हैव एक्सटेंडेड अप टू 15th नवंबर. 3-4 दिन का उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है. तो अगर अभी भी आपका किसी का बाकी है, काइंडली कंप्लीट दैट प्रोसेस, अदरवाइज यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर एज ए सेंटर बेस्ड एग्जाम. ठीक है, आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम कंसिडर कर लिया जाएगा. क्लियर है? सो ये जो वीडियो है दैट इज नॉट टू डिस्कस ऑल दैट थिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सब चीज़ें आपको पता ही है. ये जो वीडियो है दैट इज टू प्रोवाइड फ्री टेस्ट सीरीज टू CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट. एग्जाम होने वाला है, अभी एक न्यूज़ आया कि थोड़ा एक्सटेंड होगा, बट स्टिल इट इज नॉट कन्फर्म. तो जब तक इंस्टीट्यूट कंफर्म नहीं करती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के थ्रू, टिल दैट अपने यही मानना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ड्यू डेट पे मतलब 10 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे. ठीक है, एंड आप वो सब चीज़ें साइड करो. ठीक है, एक्सटेंड हुआ तो अपना इंटेंसिटी लूज नहीं होना चाहिए. अब आपके पास ना टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोग ने एक चैप्टर वाइज टेस्ट डिज़ाइन किया है फॉर CMA इंटर एंड सॉरी ग्रुप वन एंड ग्रुप टू स्टूडेंट. सो जो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो लोग तो अपीयर कर रहे हैं. अब आउटसाइड जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो अपने क्लास पे नहीं है, दे कैन ऑल्सो अपीयर दैट टेस्ट सीरीज. ये टेस्ट सीरीज ऐसे इंस्टीट्यूट ने भी मॉक टेस्ट तो दिया ही है, तो फिर ये टेस्ट सीरीज का क्या जरूरत है? तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और इसको आप ना एक स्टडी प्लान के तौर पर भी ले सकते हो. क्लियर है कि होगा क्या कि आपको रैपिड, बहुत ही रैपिड स्पीड में डेली बेसिस पे कुछ चैप्टर्स का टेस्ट रखा है. यू कैन चेक दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of November. ठीक है, 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, जस्ट आफ्टर दिवाली. अब है ना, अगर आप ग्रुप वन स्टूडेंट हो, एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो आपको डेली 17, 18, 24 तक ये जो दो पेपर है, इनिशियली अपने दो पेपर को कवर किया है, कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट टैक्स ऑफ ग्रुप वन. और अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर बोथ ग्रुप इन December 2020, तो डेली बेसिस पे आपके दो टेस्ट होंगे. एक आपका इवनिंग में होगा 5 to 6, और साइमल्टेनियसली ऑन सेम डेट आपको ग्रुप टू का भी पेपर देना पड़ेगा, वो मॉर्निंग में होगा 9 to 10. क्या एडवांटेज है इसका? और ये ना दो पेपर कवर किए अपने, ग्रुप वन के दो पेपर यहाँ पे कवर है DT एंड कॉस्टिंग, एंड ग्रुप टू के दो पेपर यहाँ कवर है FM एंड IDT. वंस वी कंप्लीट दैट टू पेपर ऑन 24th of 11, ठीक है, उसके बाद 25th से वापस से आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा. वो शेड्यूल आपको एक ऐप के थ्रू मिलेगा, मैं डिस्कस करता हूँ उसको. तो वो बाकी के दो पेपर भी आपको कंप्लीट करवा देंगे वहाँ पे, एंड 2nd December तक सारा चारों के चारों पेपर हर एक ग्रुप के कंप्लीट हो जाएंगे. क्लियर है? अब ना एडवांटेज क्या है, तो एक सब्जेक्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. आप देखो 17 को है, एक 19 को है, फिर 21 को एंड 23 को, 4 पार्ट में डिवाइड किया है. और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, कि आपको एक टारगेट मिलेगा, एंड अपने इंडियंस है, अपने वो मेंटालिटी होता है, एक टारगेट होता है ना, तो फिर अपनी गाड़ी बहुत स्पीडली भागती है, तो बस वो 5th गियर में अपने भगाना जा रहे हैं. सो आपको ना डेली बेसिस पे 3-4 चैप्टर का टेस्ट है. ये एग्जैक्ट शेड्यूल है, आप देख लो. क्लियर है? ये अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो सुबह एक टेस्ट है और शाम को एक टेस्ट है. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक डेडलाइन के साथ, टारगेट के साथ आपको सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी. क्लियर है? और बिलीव मी, अगर आप ये टेस्ट प्रॉपरली देते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा आपको मेंस एग्ज़ाम में. और ये जो एग्ज़ाम होगा ना, वो इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कि आपको MCQ फॉर्म में सारी चीज़ें कन्वर्ट करके, मतलब सम वही होगा, ठीक है, सम वही होगा, उसको अपने MCQ में ब्रेक करके आपको पूछेंगे. क्लियर है? तो अगर कोई देना चाह रहा है तो इट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको एक ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, वेदांत ऐप. और वेदांत ऐप में आपको लॉगिन करने के बाद आपको एक कोड डालना है, दैट इज़ टेस्ट सीरीज फॉर इंटर TSI 2020.
देन स्ट्रेट अवे यू विल बी एडेड टू वन पर्टिकुलर बैच, जो टेस्ट सीरीज का बैच है, और आपको इसके हिसाब से वो बैच के असाइनमेंट सेगमेंट में आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और उसके साथ जैसे ही टेस्ट का टाइम ख़त्म होगा, आपको सॉल्यूशन भी वहीं पे अवेलेबल करवा देंगे। एमसीक्यू पैटर्न से ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी, देखो ध्यान से, इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं बोला है कि हर बार आपको ऑप्शंस मिलेंगे। डोंट गो विद दैट मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न, ठीक है? अपने प्रेसिडेंट, जो पास प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो फिजिकल एग्जाम में था। दे विल कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू एमसीक्यू, 1 मार्कर, 2 मार्कर, और कभी वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देंगे, कभी आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, यू हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन। क्लियर है? सो वी विल ट्राई कि अपने इंस्टीट्यूट का जो एक्सपेक्टेड पेपर है ना, उसको मैच कर पाए। क्लियर है? तो इस तरीके से शेड्यूल है, आप ये शेड्यूल चेक कर लो। और अगर कुछ डाउट या कुछ और डिस्कशन करना हो आपको, तो नंबर भी फ्लोट हो रहा होगा नीचे, वो भी आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ और कॉन्टैक्ट करना है तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, वो डाउनलोड कर दो, और उसमें आपको ये पर्टिकुलर कोड डालना है, बैच कोड। जो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए अलग शेड्यूल है, वो शेड्यूल के हिसाब से ही एग्ज़ाम देने वाले। क्लियर है? ये पूरा, ये 2 पेपर का ये शेड्यूल है, बाकी के 2 पेपर का शेड्यूल वो ऐप में आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट को अपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्री है, तो आई होप आप ज्वाइन करोगे, तो एक डेडलाइन के साथ सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। और अगर सिंगल ग्रुप है तो हर दिन एक ही पेपर है, बट अगर आपके बोथ ग्रुप है तो आपके दोनों ग्रुप के पेपर साइमल्टेनियसली मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट में होंगे। क्लियर है? बाकी सब जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, उसको एक बार साइड करो। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी एंड ट्राई करते हैं कि ये दिसंबर 2020 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट को अपने साइड कर दे एंड फाइनल में एग्जाम फाइनल में एंटर हो जाए। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप ये जो सीरीज है उसका बेनिफिट लोगे। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है।